आई थिंक कश्मीर में एजुकेशन बहुत ज़्यादा पुअर स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, तो उस पर हमें सबसे पहले देखना चाहिए, उस पर थोड़ा काम करना चाहिए। सरकार बोलती है कि हमने जो है कश्मीरों को सारे अधिकार दे दिए, आज भी कैंपों में एक एक कैंपों में कई कई 100 लोग रह रहे हैं। हम चाहते हैं जैसे और समाज के धर्मों को लोगों को सरकार एकदम से, चाहे रोहिंग्या आती है वहाँ तक तो उनको जगह मिल जाती है रहने के लिए, हमारे हम चाहते हैं हमारी घर वापसी हो हमारे पूर्वज। जी एकता सिर्फ झंडा लहराना या बोलने के लिए नहीं है, एकता के भाव जब तक आपके अंदर अंदर से नहीं आएंगे वो एकता नहीं माना जाएगा। सच में अभी तक कश्मीर की हालात सुधरे नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दावा करते हैं कि धारा 370 हटने के बाद जो है कश्मीर की तस्वीर बदली है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो फिर से प्रोटेस्ट हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि कश्मीर ज्यों का त्यों है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। कुछ युवा चेहरा हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि ये क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या है? सिमरन भट्ट। आप कैसे देखते हैं कश्मीर की हालत, क्या ज्यों का त्यों है, सुधरी नहीं है कुछ? जी नहीं, बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं कश्मीर में। ऑब्वियसली जो पहले हालात थे उससे कहीं ज्यादा अच्छे हालात हमें आज देखने को मिल रहे हैं। आखिर अभी क्या क्या जो है जम्मू कश्मीर में ऐसी असुविधाएं हैं जो देखने को लगातार मिल रही हैं? देखिए असुविधाएं तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक क्षेत्र में मिलेंगी आपको, जिन पे काम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कश्मीर में एजुकेशन बहुत ज़्यादा पुअर स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, तो उस पे हमें सबसे पहले देखना चाहिए, उस पे थोड़ा काम करना चाहिए। प्रोटेस्ट चल रहा है, किस मुद्दे पे चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो कश्मीर ब्राह्मण है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है, आज भी पलायन कर रहे हैं, ये तस्वीर जो है नज़र आ रही है। ये प्रोटेस्ट जो है इट इज़ कम्प्लीटली अपॉलिटिकल। ये प्रोटेस्ट हम सब जो हिंदू हैं पूरे देश के, उन सब के दिलों में एकता की भावना जगाने के लिए रखा गया है। कौन सी एकता की भावना? प्रधानमंत्री तो कह रहा है कि एकता हो गई है कश्मीर में, झंडा भी लगा सकते हैं सब कुछ। जी एकता सिर्फ झंडा लहराना या बोलने के लिए नहीं है, एकता के भाव जब तक आपके अंदर अंदर से नहीं आएंगे वो एकता नहीं माना जाएगा। अशफा सरकार जहां बड़े बड़े दावे ठोकती है धारा 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडितों को उनका हक मिल गया, लेकिन यहां पर देखा जाए तो जंतर मंतर की इस भूमि पर फिर से कश्मीरी पंडित आ चुके हैं और यहां पर मांग कर रहे हैं कि हमारी एकता कहां है। कश्मीरी पंडित की हालत वैसी ही है जैसे पहले हुआ करती थी, तो क्या भाजपा सरकार के जो वायदे हैं वो खोखले हैं? आखिर क्यों कश्मीरी पंडितों को जो है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना पड़ता है? इसी तमाम मुद्दों को जानने का प्रयास करेंगे कश्मीरी पंडितों से कि आखिर क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी मांगे क्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। धन्यवाद। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए कर रहे हैं, सन 90 में इतना बड़ा जो कांड हुआ था, कई लाख कश्मीरियों को अपना घर छोड़ना पड़ा था, आज इतने वर्ष बाद तक न्यायिक जांच का गठन नहीं हुआ है और सरकार बोलती है कि हमने जो है कश्मीरियों को सारे अधिकार दे दिए। आज भी कैंपों में एक एक कैंपों में कई कई 100 लोग रह रहे हैं। हम चाहते हैं जैसे और समाज के धर्मों को लोगों को सरकार एकदम से, चाहे रोहिंग्या आती है वहां तक तो उनको जगह मिल जाती है रहने के लिए, हमारे हम चाहते हैं हमारी घर वापसी हो हमारे पूर्वज। सरकार कह रही है कि धारा 370 हटा दी, सबको अधिकार दे दिए, सब कुछ तो हो गया, आप क्या चाहिए? झंडा लगा? सर झंडा लगाने से पेट नहीं भरता, हमारे जख्म है वो झंडा लगाने से वापस नहीं आएंगे। देश के हित के लिए, देश के उत्थान के लिए जो भारत बना है इसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का योगदान रहा है। आज जो जख्म हमें मिला है सन 90 में, पूर्वजों ने जो खोया है, आज बता दीजिए कितने लोग विस्थापित हुए 370 हटने के बाद। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, अगर 100 ब्राह्मणों का भी घर वापसी हुई है, क्यों नहीं हो पाई? इसमें फाइल से फिल्म आई थी, मूवी आई थी, उसमें तो बहुत कुछ दिखाया गया। सर यही एक पीड़ा है, देखिए हम वोट बैंक के, हम लोग राजनीतिक नहीं है, सरकार फिल्म बना करके या जो भी डायरेक्टर फिल्म बना करके पैसा कमा रहा है, हमारे जख्मों पे जो हमारे जख्म थे उसको दिखाया गया, लेकिन कहां पर हमारे अधिकार मिले उसके बाद? जितना पैसा वहां मिला कश्मीरों के जो ब्राह्मणों का जो ये स्थापन होता है उसमें पैसा खर्च करते, उस डायरेक्टर से पूछिए कितने लोगों को जो है आपने जो वापसी कर दी, घर वापसी, कोई घर वापसी नहीं हुई है। सर कागजों में देने से क्या होता है? कागजों में तो बहुत सरकारें देती रहती है, वोट बैंक के अलावा, इस्तेमाल के अलावा मुझे लगता है कश्मीरी ब्राह्मणों को कुछ मिला है। आज कई लाख लोग हम जो है पूरे देश में बिखरे हुए हैं, ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही बसे हुए हैं। हम चाहते हैं इस मंच के माध्यम से एकजुट होकर के अब आज वक्त है सरकार से अपने अधिकारों के लिए कहें। मतलब कश्मीरी पंडित आज भी पलायन कर रहे हैं? आज भी पलायन कर रहे हैं। अब आप खुद देखिए, आप मीडिया वाले हैं, कितने लोग आप इज्जत जानते हैं, कितने लोगों ने वहां पर स्थापन करा है, आप देखिए ना। हमारा हम चाहते हैं हमारी घर वापस
वापसी हो, जब दूसरे देश के लोगों को ला करके आप हर जमीन जायदाद घर बंगला सब दे सकते हैं, कश्मीर के ब्राह्मणों को क्यों नहीं दे सकते? आज कश्मीर का ब्राह्मण डरा हुआ है, इसलिए वापस नहीं जा रहा है। डर इसलिए है, वहां पर जो माहौल है ये पूरा देश जानता है वो कैसा माहौल है, वो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। रोज आप टीवी में देखते ही, अगर कोई कोशिश करता है वहां रहने की, उसको दो चार दिन के अंदर ही कहीं ना कहीं वो गुमनाम हो जाता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है वहां पर ऐसा माहौल करे, रोजगार दे, एक कहीं ना कहीं अलग से स्कीमें दे, जो आरक्षण का जो कोड है, आज कश्मीरी पंडितों को जो झेलना पड़ा, आज हमें ना हमारे पास रोजगार है ना ही हमारे युवा पीढ़ी गलत दिशा में जा रही है, वो सारा कारण जो है ब्राह्मण जो झेल रहा है, पूरे देश का जो दुष्कर्म है वो ब्राह्मण को झेलना पड़ रहा है। इसमें कई राज्यों के लोग आए, करीब 15 राज्यों से अधिक जो है ब्राह्मण आए हुए हैं हमारे उत्तराखंड हरियाणा, मेरे आह्वान पे करीब 7 स्टेट से लोग आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। भाजपा सरकार से आप लोग क्या क्या मांग करने वाले? पहला सवाल ये रहेगा। दूसरा सवाल ये रहेगा कि भाजपा सरकार आज भी कश्मीर को लेकर बड़े बड़े बयान देती रहती है कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ सुधार हुआ है। देखिए मांग ये, क्योंकि मंच जो है अजय कौल जी के द्वारा रखा गया है, मैं उनके इन्विटेशन पे आया हूँ, वो मांग वो रखेंगे, लेकिन मेरी अपनी जो पीड़ा है, हम जिस पीड़ा को लेकर के आए हैं, मैं चाहता हूँ 1990 के बाद आज तक उसकी न्यायिक जांच का गठन नहीं हुआ, वो गठन होना चाहिए, जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। सरकारें पूर्ण बहुमत सरकार है हर जगह, उसके बाद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं चाहता हूँ सरकार से निवेदन है हमारी न्यायिक जांच हमारे अधिकार मिले। राहुल गांधी पहुंची जम्मू कश्मीर, आपको लगता है कि कुछ फायदा होगा? उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होने वाली है, राहुल गांधी से कुछ आपको उम्मीद है? देखिए ये चाहे जो भी पार्टी है, राहुल गांधी जी है या नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी भी विजिट कर रहा था कुछ टाइम पहले, अमित शाह जी ने करा था, लेकिन ग्राउंड में सब जीरो है। अगर उनको हमारे पीड़ा है राहुल गांधी जी को, तो हमारे लिए वो लड़े, खुल के लोकसभा में बोले, तब तो हम बात माने, हमारे लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कश्मीरी पंडितों की असली सच्चाई क्या है? कश्मीरी पंडित चाहते क्या है? और कश्मीरी पंडित में जो दिखाया है, फिल्म में दिखाया गया, भारत जोड़ो यात्रा के वक्त दिखाया गया, या फिर यहाँ कहें कि भारत की प्रधानमंत्री बयान देते रहे कश्मीरी पंडित को लेकर, आपका तस्वीर क्या है, असली तस्वीर क्या है? हम विस्थापन चाहते हैं पूरी तरीके से, हमारी जो पुराने पूर्वजों के घर है, जमीन जायदाद हमें वापस मिले, और हमें और धर्मों को और सामाजिक जितनी भी जाति है उनके साथ साथ हमें भी, क्योंकि हम बहुत पीड़ित है, हम सब कुछ खो चुके हैं, आर्यों से काटा गया था कश्मीरी ब्राह्मणों को, हमारे पास कहां है उसका न्याय मिली है? कोई न्याय नहीं मिला है, हम न्याय चाहते हैं, जो उस समय दोषी थे उनको सजा मिले, चाहे कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, वो तो सभी जानते हैं किसने क्या काटा, वो तो सरकार जाने। ये न्यायिक जांच इसीलिए गठन मांग रहे हैं हम कि न्यायिक जांच का गठन होना चाहिए, ये सरकार कहीं से कहीं तक नहीं है, सुरक्षित होते 370 लुटे हुए इतना टाइम हो गया, कहां पर विस्थापन हुआ बताइए भाई? इतने लाख लोग एक साथ भागे, 1,00,000 लोग क्या वापस गए? कोई वापस नहीं गया। धारा 370 की असली तस्वीर क्या है? वो तो देखिए ये बहुत इंटरनल सरकार का मामला है, 370 हटाना वो सरकारी अपना जो भी उनका सरकारों का होगा, हम अपने हित की बात करते हैं, ब्राह्मण जीरो पे है। और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि आखिर असली सच्चाई क्या है, और आखिर क्यों कश्मीरी पंडितों को जो है यहाँ पर फिर से प्रोटेस्ट करना पड़ता है, आखिर क्यों कश्मीरी पंडित यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं पूरी नहीं की गई, धारा 370 हटा दी लेकिन ऊपर ऊपर हटाएगा, इंटरनल कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, आखिर क्यों जम्मू कश्मीर में जो है रोजगार के मौके नहीं दिए जा रहे? तमाम सवाल उठ रहे हैं, आगे जो है और लोगों से जानने का प्रयास भी हम करते रहेंगे। आज के इस खास रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज, कैमरा सुमित के साथ ऋतिक सबिता।